house that today at the School of Hospitality Management. The students are hosting Taste of Uttarakhand, a theme-based lunch. Now this theme-based lunch is very important for student learning, and this is going to be the out-of-classroom learning because they are going to be doing this in a very creative fashion. They'll have a cultural immersion. They will also learn the tricks of the trade by like food promotion, which is very much there. In the hotel industry, we definitely have the food festivals that have been conducted, and this is going to be the same opportunity for the students. And of course, since we'll be inviting the guests from the industry, the student will have chance to improve their networking. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलक्ष शर्मा स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की तरफ से, और आज हम आपको लेके आए हैं हमारे बेसिक ट्रेनिंग किचन में, जहां पे हमारे आज के इवेंट टेस्ट ऑफ उत्तराखंड के लिए खाने की तैयारी हो रही है। आइए देखते हैं क्या क्या बनता है। ये हमारे राजेश सर। राजेश सर, आज क्या बनना है यहाँ पे? आज हम प्रेपरिंग की स्पेशल डिश दाल बड़े, ये है उड़द की दाल ली, इसके लिए हमने स्पेशल, और इसमें हम लोग अदरक लहसुन हरी मिर्च हरा धनिया और सारे मसाले ऐड किए हैं, और ये बना रहे हैं कि दाल के बड़े। क्या बात है सर, मिलते हैं हमारे प्यारे शेफ अभय चमोली जी से। शेफ, यहाँ पे क्या क्या है? अभिलाष, इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि आज खाने में क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये खाना है ये हमने उत्तराखंड के दो प्रमुख मंडल कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से लिया है, और ये पूरी एक्टिविटी करने का एक मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो सांस्कृतिक धरोहर है, खाने की धरोहर जो हमारी, उससे हम इनको अवगत कराएं। तो मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले इससे, यह है बेसिकली चिकन करी, और ये जो पारंपरिक जो मसाले होते हैं हमारे उत्तराखंड के, जैसे जखिया है, पीपी है, उससे हमने ये तैयार किया है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है लाल चावल, जो कि बेसिकली उत्तराखंड में ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, मुंसियारी से आते हैं, मुंसियारी में, और ये आयरन और फाइबर का एक बहुत बड़ा रिच सोर्स है। तो ये देखिए लाल चावल है। इसके बाद है काफुली। काफुली एक तरह का साग है, जिस तरह नॉर्थ में और जगह पर साग तैयार किया जाता है, उत्तराखंड में एक तरह का साग है जो हम तैयार करते हैं। इसमें सरसों और पालक और चौलाई का मेन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है पहाड़ी दाल, इसको 12 मासे दाल भी कहते हैं, इसमें 12 अलग अलग किस्म की दालों को हमने इस्तेमाल किया है। ये भी फाइबर में और न्यूट्रिशन में, आयरन में बहुत रिच दाल होती है। आइए बढ़ते हैं हमारी डिजर्ट की तरफ, और ये हमारे प्यारे शेफ देवाशीष सर। सर, क्या क्या है यहाँ पे? अच्छा, तो उत्तराखंड के खाने की बात हो गई, तो कुछ मीठे की बात भी करें, तो ये है झंगोरे की खीर। भाई पूरे दुनिया में मिलेट्स हो रही है, इंडियन बनियास मिलेट की खीर, जितनी स्वादिष्ट उतना ही न्यूट्रिशन है। दूसरी डिश की ओर आते हैं, ये है बाल मिठाई। भाई बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब इसके दीवाने हैं। ये बनती कैसे है? ये खोया को रोस्ट किया जाता है तकरीबन 1.5 घंटे तक। इसके अगर आप बाल निकाल देंगे तो उसके नीचे निकलेगी आपको चॉकलेट, तो ये उत्तराखंड की चॉकलेट भी है। My name is Jayant Kataria. I am the Director of Human Resources at Hyatt Regency Dehradun Resort and Spa. I'm grateful to the School of Hospitality at the IMS Unison University and Dr. Rana for giving us an opportunity for attending such a beautifully curated themed lunch. And the theme for today's lunch is Uttarakhand cuisine, right? Yes, taste of Uttarakhand. Taste of Uttarakhand. Lovely. So, क्योंकि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, I was told यहाँ के culture को, हिंदी को आप अपनाइए. So बहुत अच्छा लगा। द स्टूडेंट्स हैव रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, नॉट ओनली इन ब्रिंगिंग इन द डेकोर, द एम्बियंस एट द प्लेस, बट ऑल्सो ब्यूटिफुली क्यूरेटेड मेन्यू एंड डिलीशियस फूड दैट वी हैड, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी।
एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इवेंट की निटिग्रिटीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को समझना, कोलेबोरेशंस, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करना है, तीन चार डिपार्टमेंट मिलकर कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं टू मेक वन स्मॉल इवेंट सक्सेसफुल, दैट्स अ लर्निंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. एंड इट्स अ प्लेजर कि हमें यहाँ आने का मौका मिला, इस इवेंट का पार्ट बनने का मौका मिला. एंड हम आशा करते हैं कि हमें फिर से ऐसे इन्विटेशन मिलते रहेंगे. एंड वी वुड लव टू कम बैक टू द स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एट द IIMS यूनिसन यूनिवर्सिटी. ओके सर, सो हाउ डिड यू फाइंड अवर थीम लंच टुडे? द थीम लंच, द टेस्ट ऑफ उत्तराखंड वॉज अमेजिंग. आई मीन आई एम न्यू टू उत्तराखंड एज यू ऑल नो, सो आई हैड वेरी गुड यू नो डिटेलिंग अबाउट भांग की चटनी. आई मीन दैट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी यूनिक फॉर मी. देन यू हैड दिस Kumoni Raita, I mean very well done. I think this is one which I really enjoyed, right? Very finely chopped cucumber and good raita, good fillings out there. Then I had this pahadi mixed dal. I think this was really, really, really tasty. I mean I did have dal outside, but then this pahadi mixed dal done by you guys were really good. And I don't know, it's called kafauli. Yeah, made of spinach. I think this was one of the best I really enjoyed. I've yet to get the dessert, so I'll let you know what desserts. But thank you for inviting me. The School of Hospitality Management with students, with faculty, with the costumes, nice attire, and creating that ambience of Uttarakhand was really delightful. I'm thankful to all of you for doing this and keep doing such events and know the culture, more and more culture of all the states of India. Thank you. Good afternoon, sir. So how was your experience today with our team? It was excellent, excellent. I mean, no matter how much I say, I'll always be short of words. It was nicely planned. The decor is very good. The cuisines are very good. The food was very good. There's no doubt about it. And the hospitality was very good. And the best part is that not only we as faculty members are satisfied, all the students, the dignitaries, Honorable Vice Chancellor, and even our guests from Hotel Hyatt are very, very excited about it. So I wish you all the best for your future quests. Thank you so much, sir. And it's always a pleasure to come to School of Hospitality. Sir, it was our pleasure to serve you. Thank you so much. Wish you all the best. Thanks. Bye.